रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है YouTube का एक एक चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा गाल आगे कर दो पॉसिबल ही नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है हालांकि हमारी सोच ये गांधी जी की सोच है मैं गांधी जी का मैं उनको बहुत मानता हूं। इसी बात नहीं है गांधी जी ने जो एक लाठी धोती करके एक कॉमन मैन को एक गरीब आदमी पूरा देश ही गरीब था उनको जो साथ में जोड़ा कि आप मेरे साथ चलिए यही आपका योगदान है देश की स्वतंत्रता में वो जो उन्होंने मास मूवमेंट शुरू किया दैट इज अनपैरल इन द वर्ल्ड बट फिर हिंसा को अगर आप आइसोलेशन में देखोगे तो हिंसा मैं भी नहीं मचाता मैं नहीं चाहता हूं कोई किसी को थप्पड़ चट्टू मारे गोली वोली चाकू वाकू कुछ नहीं ना ही कोई आर्मी में जो जाता है उसके पेरेंट्स वो खुद उसके चाहने वाले उसकी फैमिली कोई नहीं चाहता है कि वॉर हो कोई नहीं चाहता है भाई आर्मी कोई शहीद होने के लिए ज्वाइन नहीं करता हां मौका आएगा होंगे पर वो कब इक्विबिलियम कब होता है सेट सेल्फ डिफेंस के लिए तो चाहिए ना सेल्फ डिफेंस के लिए तो वायलेंस चाहिए या थ्रेट ऑफ वायलेंस चाहिए कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा तो एक विजयदशमी में डिबेट हुई थी एक डिबेट ने एक टॉक के लिए बुलाया था जहाँ पे मदनलाल ढिंगड़ा धिंगड़ा ने और सावरकर जी ने प्लान करके लॉर्ड कर्जन वाइली होते थे जो लंदन के सीक्रेट सर्विस के हेड थे जो कि बंगाल का पहला पार्टीशन जो हुआ था 1905 में रिलीजन के ऊपर उसमें उस वक्त वो गवर्नर थे वहाँ पे तो उनको बहुत ये वो सब बहुत क्रांतिकारियों को उन्होंने फंसाया था और देश तोड़ने में उनका हाथ था तो विनायक सावरकर ने और मदन लाल ने उनको स, पूरा साजिश रच के मदन लाल ने उनको पॉइंट ब्लैंक पांच गोली मारी जाके जैसे उद्धम सिंह ने मारी थी तो उसके बाद डिबेट हुई और सावरकर जी बड़े जले भुने हुए थे क्योंकि उनको फांसी की सज़ा हो गई आ, होनी भी थी और गांधी जी ने उनको कावड़ बोला था कि ये हिंसा की एक्ट है मदन लाल के बारे में तो उसके बाद डिबेट हुई उनकी और विजयदशमी का दिन था तो गांधी जी वहाँ पे आए और गांधी जी बोले मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ विजयदशमी के त्योहार की बात करूँगा जो हिंदुओं में बहुत माना जाता है विजयदशमी राम राज्य बुराई की अच्छाई से हार का दिन है राम राज्य की स्थापना का दिन है राम राज्य त्याग और उपवास से बना था राम जी के त्याग से सीता जी के त्याग से लक्ष्मण जी के त्याग से राम राम राज्य का इकलौता ही पथ है त्याग और उपवास एक यही पथ है इसी से हमें मिल सकता है फिर सावरकर जी स्टेज पे आए बोले तो रावण को तो खाम ही मारा तो सावरकर जी का ये मानना था कि राम राज्य उपवास से नहीं रावण का उसके भाइयों का उसके सैनिकों का वध करके मिला था दूर दूर के राजाओं को पता चल गया था कि अगर राजा राम के साथ गलत करोगे तो तुम्हारा हाल भी महाबली रावण जैसा होगा सो दैट वॉज द टू ऑपोजिंग पोजिशंस जो उनकी थी बाकी वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी और उनकी तीन मुलाकात हुई थी गांधी जी उन्हें रत्नागिरी भी मिल के आए थे उनका जो लास्ट बेल पटिशन था उस पर गांधी जी ने भी एडवाइस किया था कि यार इतने लंबे लंबे खत मत लिखो केस लिखो वो लिखो और वो करो और गांधी जी ने आर्टिकल भी लिखे थे कि सावरकर बदर शुड बी रिलीज और उन्हें कहा था कि विनायक ने अंग्रेज़ों के छल कपट मुझसे पहले देख लिए थे इतना इंटेलिजेंट इतना बहादुर इतना ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वाला आदमी अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा तो देश के हित में होगा गांधी जी उनको कांग्रेस में भी चाहते थे तो और वो कांग्रेस में होते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉरी कांग्रेस अलग है इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग थी क्योंकि तिलक जी प्रेजिडेंट थे वो हार्ड लाइनर थे तिलक जी ने खुदीराम बोस का की बड़ाई कर दी कि ये योद्धा है उनको मैंडले भेज दिया था सात साल के लिए तो कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल होते थे गोखले साहब वगैरह ये नरम दल के थे तिलक साहब वगैरह ये गरम दल के थे और तिलक साहब की प्रौद्यजी थे सावरकर जी अगर तिलक जी को वहाँ नहीं भेजते जेल में और सावरकर जी को काला पानी नहीं होता तो कांग्रेस एक गर्म दल वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस गर्म दल वाली होती तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं क्योंकि और वो गांधी जी को हेट नहीं करते थे वो अहिंसा को हेट करते थे अगर उनकी हिंदुत्व अगर आप पढ़ो तो उसमें काफ़ी सारे पन्ने शुरू के बुद्धिज्म पे हैं क्योंकि हमारे देश में बौद्ध धर्म बहुत बड़ा होता था अशोका ने उसको बहुत बड़ा कर दिया था पूरे और विश्व में पहुंच गया था बौद्ध धर्म तो बाकी देशों ने कुंगफू बना लिया बौद्ध धर्म के अलग अलग वो बना लिए जो कि सशस्त्र होते थे हमारे देश में नहीं था फिर ये कबीले वाले हंस और शाकाज आए थे उन्होंने पूरा देश को लूट पाट दिया तब फिर से दुर्गा माँ की पूजा होने लगी शिव जी की पूजा होने लगी हनुमान जी की पूजा होने लगी कृष्ण जी की पूजा होने लगी तब देश फिर से बदला सावरकर जी तो कहते थे कि बुद्धा से बड़ा कोई अपसल इस दुनिया में ना कभी हो सकता है ना होगा वो एक ऐसे वो थे जो धरती पे उनका कोई मुकाबला ही नहीं है बुद्धा जी से बड़ा उनकी बहुत इज्जत करते हैं मैं पूछता हूं उनको पर मैं उनसे अग्री नहीं करता हूं। क्योंकि दुनिया एक हरे पहाड़ों और बुली नीली नदी वाली पेंटिंग नहीं है इसमें खूनी दांत वाले दर, दरिंदे भी हैं उनका क्या जैसे कहते हैं यस जो हम पहले बात कर रहे थे तो वो कह रहे कि सेल्फ डिफेंस के लिए तो अपने को करना पड़ेगा ना यार टोटल अहिंसा में तो जा नहीं सकते अब यूक्रेन के पास कितनी बड़ी न्यूक्लियर आशनल थी उन्होंने छोड़ दी अब क्या हाल हो रहा है तो अपने आप को सशस्त्र करना अपने देश को सशस्त्र करना अपने देश के सैनिकों के लिए भी और नागरिकों के लिए भी और अपने देश के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जब टक्कर के होते तभी दूसरे वाला आपको आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा टक्कर के नहीं होगे तो वो भावी होगा ये तो दुनिया का रीत है ह्यूमन नेचर है तो ये चीज़ सावरकर जी बहुत समझ गए थे बहुत पहले पता है इसी क्लिप की वजह से अब लोग छोटे-मोटे क्लिप्स कर, ट्विटर पर नेगेटिव प्रोपगंडा सकते हैं। सकते नेचर है? गया था और मैं गांधी जयंती पे चाइना बॉर्डर पे गया था अरुणाचल प्रदेश में वहां मुझे बुला रखा था मैं बोला वहां पे मैं आपने गांधी जयंती पे जो सावरकर प्ले कर रहे उसको यहाँ बुला लिया तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था बॉर्डर लाइन पे वहाँ पे कोई एक्टर नहीं गया था आज तक तो सैनिक भी बहुत खुश थे हमारे सिपाही ऑफिसर वगैरह ये वो और चाइना वाली साइड से बस दो आदमी होते थे हमारे वो लोगों के पास भी कोई गंज वंज नहीं थी वो सब नीचे होती थी वो वहाँ पर नहीं होती थी और दूसरी साइड भी दो आते थे वो दो तीन बजे तक रहते थे वो आके हमारी फ़ोटो जो भी आता था उसकी फ़ोटो खींचते थे जो भी आता था उसकी फ़ोटो खींचते थे बस उनका यही काम था तो मैं वहां खड़ा होकर कर रहा था कि अगर यहां से आर्मी आएगी तो हम इसको कौन सी अहिंसा परमो परमोधर्मा कैसे बोलेंगे उनको उसके लिए तो शस्त्र उठाने पड़ेंगे ना जब हमारे पास शस्त्र होंगे तभी वो लोग नहीं आएंगे डर के मारे तो वो एक और ये था और और बाद में जाके नेहरू जी की भी ये पॉलिसी थी और गांधी जी भी ये बिलीव करते थे कि हमें आर्मी की जरूरत ही नहीं है हम अहिंसा प्रे, प्रेमी देश हैं हमें आर्मी की जरूरत नहीं है फिर जब चाइना वॉर में हमारा बुरा हालत हुआ तब के एम करियप्पा जनरल के एम करियप्पा और जो उस वक्त फील्ड मार्शल थे उन्होंने कहा था कि अगर देश सावरकर जी की सुनता तो आज हमारा इतना बुरा हाल नहीं होता क्योंकि सावरकर जी मिलिट्राइजेशन की बात करते थे अपने आप को सशस्त्र करो उसी से ही हमारा देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में आएगा तो ये उनका मानना था और आज वही हो रहा है आज हमारे देश को सशस्त्र हम खुद वेपन्स बना रहे हैं यार उस उस जमाने जमाने में में वो ऑफ समझते थे। जी उस जमाने में। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा था ना कि कैसे जर्मनी, के, जर्मनी के आए, उठके कर दिया काम। और वो सुभाष जी को बोले थे अंग्रेजी फौज पे हमला करो एक साइड उन्होंने वो किया दूसरी साइड सबको बोला कि अंग्रेजी फौज ज्वाइन करो क्यों क्योंकि ट्रेनिंग मिलेगी वेपन <laughs> की ट्रेनिंग मिलेगी अरे हमारे जमाने में किसी को बंदूक मिलती तो हमें काला पानी भेज दिया जाता था अंग्रेज खुद स्वयं तुम्हारे हाथों में तोपे बंदूक टैंक दे रहे ज्यादा ज्यादा से ज़्याद में भर्ती हो जाओ ट्रेनिंग लो अफसर बनो फिर समय बताएगा कि बंदूक की नली किस ओर घुमानी है तो चाहते थे कि जितना हम सशस्त्र होंगे उतना ही हम मैं फिर बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज में घुसने रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी ड्राइव चलाई थी तो वो चाहते थे कि हम लोग ट्रेन होके एक ऐसे वो बन जाए जैसे कि अमेरिका है उनकी आर्मी के बेस पे ही तो वो इतना कुछ कर रहे हैं वर्ल्ड पावर कैसे है वो उनकी आर्मी की वजह से है ना तो सावरकर जी का ये वो था तो बाद में भी उन्होंने ऐसे बहुत कुछ उन्होंने चीज़ें की थी जो उनका मानना जो लोग जानते नहीं हैं फिर जात पात के अगेंस्ट थे वो वो बोलते थे कि अंतर जातीय विवाह शुरू करो और गांधी जी ने बोला था कि वर्ण व्यवस्था हमारी संस्कृति का हिस्सा है इसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करो। चार पुश्तों में लोग भूल जाएंगे कौन कौन जात क्या? के हरेक हो गए हिंदू रह जाएंगे पति पावन मंदिर सावरकर जी ने पहला बनाया था भाई गांधी जी ने उसके बारे में गाना बनाया था पर काम एक उसमें वो तो ऐसे शादी करा देते सबको बुलाते थे कौन अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है जात नहीं बताते थे तो वो तो ये करते थे बैठ के सबके साथ खाना खाना जनेऊ सेरोमनीज करानी लोअर कास्ट के लोगों की उस टाइम की तो बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी थे बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव आदमी पिक्चरें लाइक करते कैरेक्टर को निभाने के बाद आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा बदल चुकी है मे बी <laughs> ये निर्देशक निर्माता जो आता है ना ये सावरकर जी ने पहली बार दिया था गांधी जी पिक्चरों के अगेंस्ट अगेंस्ट थे थे बहुत थे। आप बहुत ज़्यादा क्यों कैसे यार? पता चल जाता है पॉडकास्ट करने के बाद <laughs> कुछ इंसानों में ज्यादा ही इंटेंसिटी होती है कॉम्प्लीमेंट आप उस डेप्थ ऑफ इमोशन तक पहुंच सकते हो खुद में ही हो सकता है हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि सावरकर जी भी बहुत इंटेंस आदमी मतलब उनके साथ समय गुजारना आसान नहीं था उनके साथ समय गुजारना आसान नहीं था <laughs> नहीं था मेरे साथ भी नहीं था मैं तो लोग कहते हैं तुमने क्या क्या दिक्कतें उठाई मैं क्या यार मेरे को सेट पे जो मेरे कास्ट और क्रू ने मुझे झेला है एक भूखा आदमी और एक जिसको काम पूरा करना है आज पैसे की भी वो चल रही है टाइम की भी फिर की चल रही है तो एक वर्ड होता है आजकल बनाया है हम लोगों ने तो आई वॉज दैट हैं कहीं कहीं वो सावरकर जी भी थे क्योंकि अगर आप अटल जी की उनके बारे में सुनो तो उसमें तिखट तीखापन ये वो तो उनमें बहुत था वो तो कहीं धीरे धीरे वो मेरे में भी आ रहा था मूवी की टाइमलाइन एंड कहाँ होती है 1950 में 1950 में वो सत्ताईस साल उनको अंग्रेजों ने कैप्टिविटी में रखा फिर गांधी जी की जब एसेसनेशन uh, हुई तो उस केस में उनका कोई जुडिशियल एविडेंस नहीं था पर उनको उसमें उन्होंने अक्यूज बनाया पहली जो चिट्ठी आई थी उसमें लिखा था proof, कि विदाउट जुडिशियल प्रूफ वी कैन नॉट अरेस्ट मिस्टर सावरकर इज टू बिग पर्सनालिटी देन इट केम कि इवन इफ देर इज़ नो जुडिशियल प्रूफ हिज हिस्ट्री एन आइडियोलॉजी शोज दैट ही कुड हैव डन इट पर कोई कनेक्शन ही नहीं बना पाए उसमें कोर्ट केस में तो पर उस दौरान फिर वो फ्री इंडिया में एक साल जेल में रहे लाल किला में एक साल फ्री इंडिया में और वो कनेक्शन ही नहीं बना पाए तो मेरा अनुमान क्या लगता है मुझे कि तीन पार्टियां थी हिंदुस्तान में एक मुस्लिम लीग एक हिंदू महासभा मेजर पार्टियां और एक कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉरी अब मुस्लिम लीग वाले सब लोग चले गए पाकिस्तान चले गए लीडर्स मोस्टली बची हिंदू महासभा जब हिंदू महासभा के जो आइडियोलॉग थे जो सबसे जिनसे लोग रखते थे इतफाक तो भाई हिंदू महासभा के जो सरगना है उनको आपने अक्यूज कर दिया बापू के मर्डर असैसिनेशन में तो हिंदू महासभा तो विलीफाई हो गई ना फिर एक ही पार्टी बची इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1952 में अन जीत गई ऑलमोस्ट तो ये एक खेल उनके साथ और उसके उनकी वजह से उनके ऊपर उनका जो पूरे चरित्र के ऊपर और बहुत लालचनाएँ उठी बहुत वो हुआ लोगों अकेले हो गए थे बिल्कुल लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था इतना कुछ देश को करने के बाद और 1950 में दिल्ली में लियाकत अली खान साहब आए थे जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्ना साहब तो एक साल के अंदर अंदर मर गए थे उनको टीबी थी किसी को बताया नहीं उन्होंने लियाकत अली दिल्ली में आए सावरकर जी को यहां जेल कर दिया प्रिवेंटिव कस्टडी रोलेट एक्ट क्या एक्ट होती है आजकल भी होती है शायद तो अंग्रेजों का कानून था रोलेट एक्ट बोलते थे उसको तो उसके दौरान उनको फिर से अंदर कर दिया लियाकत अली पांच साल में पांच दिन में चले गए ये कोई छह महीना इनको जेल में रखा रखा पॉलिटिक्स के साइड इफेक्ट हाँ क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ